आज की वीडियो हर उस शख्स के लिए बहुत कारामद होने वाली है जिसके घर में गैस का मीटर लगा हुआ है और वो गैस इस्तेमाल करता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपके घर में गैस के ना आने की वजह हर बार गैस की लोड शेडिंग नहीं होती, बल्कि अक्सर गैस की पाइपलाइन में पानी का आ जाना भी गैस की लोड शेडिंग का बाइस बनता है, जिसका हमें बहुत कम ही पता चलता है और हम गैस के ना आने की वजह को गैस की लोड शेडिंग ही समझ लेते हैं। गैस के पाइपों में पानी क्यों आता है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी गैस पाइपलाइन में पानी है या नहीं? कैसे पता करें कि पानी सिर्फ मेन लाइन में है या हमारे घर के अंदर की पाइपलाइन में भी आ चुका है? इसे पाइपों से निकाल के गैस का रास्ता कैसे क्लियर करेंगे? ये सब कुछ आज की वीडियो में जानेंगे और प्रैक्टिकली इसका हल भी निकालेंगे। साथ रहिएगा, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, होता ये है कि हमारे घर तक आने वाली गैस की मेन पाइपलाइन जमीन के अंदर से गुजरकर आ रही होती है, तो रास्ते में किसी वजह से पाइप डैमेज हो जाते हैं या गटरों में से गुजरते पाइप हर वक्त पानी में रहने की वजह से, जंग की वजह से गल जाते हैं। और जिन दिनों में गैस का प्रेशर ज़्यादा होता है उन दिनों में गैस पानी में शामिल होने लगती है, और जैसे ही सर्दी आती है और गैस का प्रेशर कम होता है तो कम प्रेशर की वजह से उन पाइपों में पानी भरने लगता है जो गैस के बहाव के साथ हमारे घरों तक आ जाता है। इस तरह गैस का प्रेशर मजीद कम हो जाता है, और जैसे ही मौसम बेहतर होने पर गैस का प्रेशर ज़्यादा होता है तो यही पानी प्रेशर के साथ हमारे गैस के मीटर में भर जाता है और फिर वहाँ से हमारे घर के अंदर की गैस पाइपलाइन में आ जाता है, जिससे सबसे पहले घर का ग्राउंड फ्लोर इफेक्टिव होता है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर और फिर सेकंड फ्लोर में भी कभी कभार आने वाली गैस बिल्कुल ही बंद हो जाती है। मीटर में पानी भरने से क्या क्या नुकसान होते हैं, इसकी वीडियो ऑलरेडी मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, आप उसे वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मीटर में पानी भरना किस तरह आपके बिल में इजाफे का बाइस बनता है। तो फ्रेंड, जब जरूरत से ज्यादा गैस की लोड शेडिंग रहती हो या मुसलसल गैस के प्रेशर में कमी हो तो उसकी कंप्लेन करें, महकमा के मुलाजमीन आएंगे, खोल के देखेंगे और उन्हें पानी की सूरत हाल का पता चल जाएगा। इस सर्दी में नहीं तो नेक्स्ट सर्दी तक उनकी कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी और वो अपने साजो सामान के साथ आ जाएंगे, जिसमें एक हाई प्रेशर मशीन बहुत जरूरी है। अगर वो आ जाते हैं तो वो सबसे पहले आपके सारे घरों के कनेक्शन एक दफा बंद करेंगे, फिर उस मशीन से एक सिरे से प्रेशर देंगे और पाइपलाइन के आखिरी कनेक्शन को खोल देंगे और वहां से पाइपों में मौजूद सारा पानी निकल जाएगा। और अगर वो किसी घर का कनेक्शन बंद करना भूल गए तो समझ लें उसके घर के अंदर की सारी पाइपलाइन में भी पानी चला गया है। लेकिन इस सारे काम के बावजूद जब तक उस डैमेज पाइप को ढूंढा नहीं जाएगा और फिर उस पाइप को चेंज नहीं किया जाएगा, परेशानी बनी रहेगी, क्योंकि एक दफ़ा पानी निकालने के बाद कुछ दिन बाद ही पानी दोबारा भरने लगेगा और वही सिचुएशन दोबारा क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं जिससे पता चला सके कि कौन सा पाइप किस जगह से लीक है और किस गटर से इसके अंदर पानी दाखिल हो रहा है। और बहुत जोर लगाने पर भी उस पाइप को अगर ढूंढ लिया जाए तो उसे तब्दील होने में शायद कई साल लग जाएं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारी गैस पाइपलाइन में पानी है कि नहीं, मतलब पानी होने की क्या क्या निशानियाँ हैं। नंबर एक पे चूल्हे की कभी आग ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी बुझ जाएगी, मतलब फ्लेम स्टेबल नहीं रहेगा। नंबर दो, अगर आपके दो पोर्शन हैं तो नीचे वाले पोर्शन की निस्बत ऊपर वाले पोर्शन में कदरे फर्क होगा, मतलब ऊपर वाले पोर्शन में कदरे गैस ज्यादा आएगी। नंबर तीन, आप जब भी चूल्हा ऑन करेंगे तो गैस आने या ना आने की सूरत में आपको चूल्हे से गटरों की स्मेल आएगी, लेकिन यह उस सूरत में होगा जब आपकी पाइपलाइन में गटरों का पानी शामिल होगा। नंबर चार, अगर पाइपों में पानी ज्यादा मिकदार में आ गया हुआ है तो फिर पक्की पक्की लोड शेडिंग हो जाएगी, मतलब बिल्कुल गैस आना बंद हो जाएगी और वो मुसलसल बंद रहेगी। इसका पता आपको दूसरे इलाकों से पूछकर चल सकता है। तब इसके नुकसानात की बात कर लेते हैं। नंबर एक पे जब गैस के मीटर में पानी भरता है तो किस तरह आपका बिल ज़्यादा आता है, इसकी मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप वो मेरे चैनल पर विजिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा मीटर के अंदर मौजूद लोहे के स्प्रिंग को जंग लग जाता है, जिन लोगों की गैस की वायरिंग लोहे के पाइपों से हुई है उनके पाइपों को भी जंग लग जाता है, आपके स्टोव का सारा सिस्टम उस पानी की वजह से खराब हो जाता है, स्टोव के पाइप भी खराब हो जाते हैं, स्टोव की नॉब्स भी खराब हो जाती हैं और वहां से गैस के लीक होने के भी चांस हो जाते हैं। और जिन लोगों ने गैस के कंप्रेसर लगाए होते हैं वो तो पक्का बर्न हो जाते हैं। और सबसे बड़ा इसका नुकसान ये है कि जब गैस नहीं आती तो हम खाना नहीं पका सकते। अब अगर गैस के पाइपों में पानी है, भले वो घर से बाहर हो या घर के अंदर के पाइपों में हो, तो हम खुद से इस मसले का हल कैसे निकालेंगे? महकमे वाले भी मशीनरी ना होने का एक्सक्यूज देते हुए खुद से पानी निकालने का कह देते हैं। तो अब बात करते हैं, अगर हमें इस तरह की हैवी मशीनरी अवेल नहीं होती या फिर होती है तो महीनों का टाइम मांगती है, और या फिर ये पानी वाला काम
हर दो दिन के बाद, हर बारिश के बाद हो जाता है, तो हम इस मसले के साथ कैसे निपटेंगे? तो पहले हम घर से बाहर वाली मेन लाइन से पानी निकालेंगे, उसके बाद घर के अंदर वाली लाइन क्लियर करेंगे। बाहर वाली लाइन को क्लियर करने के लिए हम एक अदद डोंकी पंप का इस्तेमाल करेंगे, उसका सेक्शन पाइप हम मेन लाइन के साथ लगा देंगे और उसके आउट पाइप पे हम कोई रबड़ का पाइप लगा के थोड़ा दूर रख देंगे और डोंकी पंप को चला देंगे। अगर डोंकी पंप वर्क ना कर रहा हो तो उसके अंदर जग वगैरह से पानी डालेंगे, जिस तरह आमतौर पर डोंकी पंप पानी ना खींचे तो पानी डाला करते हैं। ऐसा करने से डोंकी पंप धीरे धीरे पाइपलाइन से सारा पानी बाहर निकाल देगा, इस तरह हमारी मेन लाइन क्लियर हो जाएगी। जिस तरह आप देख सकते हैं कि डोंकी पंप ने मेन लाइन में से सारा पानी निकाल के बाहर फेंक दिया। इसके बाद मीटर की बारी आ जाएगी और इसे उल्टा करके इसमें से पानी निकाला जाएगा। अगर आप पूरा मीटर खुलवा लें तो अंदर से साफ पानी गुजार लें और इसे अच्छे से खाली करके दोबारा लगा दें। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है घर के अंदर की पाइपलाइन को पानी से क्लियर करने की। तो उसके लिए हम सबसे पहले घर के अंदर जाने वाला गैस का मेन वाल्व बंद करेंगे, घर के सारे वाल्व भी बंद कर देंगे, फिर हम एक हाई प्रेशर पंप लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने गाड़ी के टायर में हवा भरने वाला ये प्रेशर पंप लिया है, ये बहुत अच्छा प्रेशर बनाता है। अब हम इसे लगाएंगे कहाँ? अगर आपका घर डबल स्टोरी का है तो इसे हम फर्स्ट फ्लोर पे लगाएंगे, मतलब हमने इसे बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के लास्ट वाले पॉइंट के साथ किसी भी वॉल्व के साथ पाइप लगा के तो इसके पाइप के साथ जॉइंट कर देना है। चूंकि ये नॉर्मली 12 वोल्ट का होता है, इसलिए मैंने इसे बैटरी के साथ अटैच कर दिया है। इसका वाल्व खोल देंगे और इसे ऑन कर देंगे और फिर हम ग्राउंड फ्लोर पर सबसे आखिरी वाले पॉइंट पर आ जाएंगे, वहाँ एक पाइप लगा के तो किसी बाल्टी वगैरह में रख देंगे और यहाँ से हम कभी हैंडल बंद करेंगे और कभी खोलेंगे। पानी वजनी होने की वजह से पाइपों में ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगा। हम जब ऊपर से इसे प्रेशर देंगे तो जितना पानी पाइपों में मौजूद होगा वो नीचे की तरफ जाएगा और बड़े आराम से पाइपों में से निकल जाएगा। फिर हमें इसके अंदर बार बार प्रेशर भी बनाना है। कभी हम वॉल को बंद करेंगे, 1 से 2 मिनट रुकने के बाद दोबारा खोलेंगे तो जितना पाइपों के अंदर प्रेशर बना होगा तो वो इसमें बचा खुचा जितना पानी होगा वो सारा लेके बाहर आ जाएगा। इसी तरह जिस जगह पे मीटर लगा होता है उस जगह पे भी हम हाथ रख के इसके अंदर प्रेशर बना के थोड़ी थोड़ी देर बाद प्रेशर रिलीज करवा सकते हैं। इस तरह पाइपों में मौजूद सारा पानी बाहर निकल आएगा। तो फ्रेंड्स, हमने घर के बाहर की पाइपलाइन में से डोंकी पंप से पानी निकाल दिया, मीटर को भी वॉश कर लिया, उसके बाद घर के अंदर की पाइपलाइन में से भी सारा पानी निकाल दिया। अब हम मीटर को उसी जगह पे दोबारा लगवा लेंगे, पंप को हटा देंगे और चूल्हा ऑन करेंगे। गैस का प्रेशर हमें खुद बता देगा कि हमारी टोटली लाइन पानी से क्लियर हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो भी आपके बहुत काम आएगी, आपको बहुत यूजफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, दोस्तों में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।